क्या क्वेश्चन है? अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम वन एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास कैपिटल एम। इस प्रकार से एक रॉड है जिसकी लेंथ है एल और मास है एम। यहां से कुछ डी डिस्टेंस पर एक पार्टिकल रखा है। दिस इज लेंथ एल, डिस्टेंस डी, इसका मास है छोटा एम, इसका मास है कैपिटल एम। तो इस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, कितना आएगा? G m m upon l plus d। इसका मतलब क्या आपने ऐसा कंसिडर किया है, ये पूरा रॉड का मास इज सिचुएटेड एट दिस पॉइंट, तब जाकर इसका डिस्टेंस l प्लस डी रहेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता है, ऐसा तो नहीं होगा। अब क्या कर सकते हैं? देखो, कब पॉसिबल रहता? जब कैपिटल एम मास यहां पर है, छोटा एम मास यहां पर है, और उनके बीच का डिस्टेंस एल प्लस डी अगर रहता तो। अभी यहां पर क्या है, दिस इज यूनिफॉर्म रॉड, मतलब यहां पर भी कुछ मास रहेगा थोड़ा सा, यहां पर भी कुछ मास रहेगा थोड़ा सा, एंड यहां पर भी कुछ मास रहने वाला है। और हर मास एलिमेंट का डिस्टेंस अगर डिफरेंट है तो उसके कारण लगने वाला फोर्स ये डिफरेंट रहेगा। तो फिर ऐसे केसेस में हमें क्या करना होता है, हम ऐसा डायरेक्टली तो लिख नहीं सकते, कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू एम अपॉन एल प्लस डी का स्क्वायर, ये कहना गलत होगा। तो ऐसे वक्त हम क्या करते हैं, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स, ऐसा छोटा छोटा पार्ट जब लेते हैं तो सभी छोटे छोटे के कारण लगने वाला फोर्स निकालना और उन सभी को जोड़ना। जोड़ने का काम करना मतलब क्या होता है, जोड़ने का काम करना मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन। बहुत बढ़िया, जोड़ने का काम मतलब इंटीग्रेशन। तो देखो अभी हम क्या करते हैं, कंसिडर एक छोटा सा एलिमेंट, कंसिडर एक छोटा सा एलिमेंट जो r डिस्टेंस पर है, ठीक है, और यहां पर जो मास है वो छोटा सा मास है dl, ठीक है, छोटा सा मास है dm एट डिस्टेंस r। तो देखो एक चीज तो हमें ध्यान में आ गई, दिस इज यूनिफॉर्म रॉड। इफ दिस रॉड इज यूनिफॉर्म तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या मास पर यूनिट लेंथ, इक्वल टू कैपिटल एम बाय एल इक्वल टू डी एम? हाँ सर, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखो ये ग्रेविटेशनल फोर्स, छोटा सा ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी कैपिटल जी छोटा एम इंटू डी एम अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये dm इस छोटे एलिमेंट का मास है जिसकी थिकनेस dr है, इसकी थिकनेस कितनी होगी dr। तो अगर मास पर यूनिट लेंथ m बाय l है, जिसको हमने dm कहा है, सॉरी m बाय l कहा है, तो मास पर यूनिट लेंथ, हाँ, तो इस dm मास को हम कुछ लिख सकते हैं क्या, dm इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ
इनटू इस डीएम एलिमेंट की लेंथ डीआर, आया क्या ध्यान में? इसकी लेंथ है डीआर और पूरे रॉड की लेंथ है एल, ठीक है। सो ये छोटा सा एलिमेंट लिया जिसका मास है डीएम, जिसकी लेंथ है डीआर, कहां पर सिचुएटेड है? इट इज एट डिस्टेंस आर, आर डिस्टेंस पर है इस मास से। और फिर हम कह रहे हैं ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट के कारण लगने वाला फोर्स रहेगा कैपिटल जी छोटा एम इंटू डीएम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा कैपिटल जी तो कांस्टेंट रहने वाला है, छोटा एम डीएम के जगह हम लिख सकते हैं कैपिटल एम अपॉन एल इंटू डी आर अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। और अब टोटल फोर्स निकालना होगा तो ऐसे सभी छोटे छोटे फोर्स को जोड़ना पड़ेगा, और इस केस में हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू इंटीग्रल डीएफजी, दैट इज इंटीग्रल ऑफ कैपिटल जी छोटा एम कैपिटल एम अपॉन एल इंटू वन अपॉन आर स्क्वेयर डी आर। अब देखो इसमें से कैपिटल जी छोटा एम कैपिटल एम ये सभी कॉन्स्टेंट है, तो ये सभी बाहर आ जाएंगे और यहां पर बचेगा वन अपॉन आर स्क्वेयर डी आर। अब मुझे बताओ आर की वैल्यू कहां से लेकर कहां तक है? पहला मास एलिमेंट यहां पर सिचुएटेड है एट डिस्टेंस डी, आखिरी मास एलिमेंट यहां पर सिचुएटेड है। सो पहला मास एलिमेंट यहां पर रहेगा एट डिस्टेंस डी, आखिरी मास एलिमेंट यहां पर रहेगा एल प्लस डी पर, क्या सही है? डी से लेकर एल प्लस डी तक, ठीक है। और देखो इसका इंटीग्रेशन आता है वन अपॉन आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन आता है वन बाय आर, तो ये टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा जी छोटा एम इंटू कैपिटल एम अपॉन एल वन अपॉन आर स्क्वायर डी आर, ये आ जाएगा वन बाय आर, साइन माइनस रहेगा फ्रॉम डी टू एल प्लस डी। ये वैल्यू अगर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पर ये बाहर का माइनस अंदर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा जी एम इंटू एम अपॉन एल इंटू वन बाय डी माइनस वन अपॉन एल प्लस डी, ठीक है। इसकी एडिशन क्या आएगी? जी छोटा एम इंटू कैपिटल एम अपॉन एल डी इंटू एल प्लस डी, यहां पर मल्टीप्लाई किया एल प्लस डी से, यहां पर मल्टीप्लाई किया डी से, सो डी डी कैंसल, एल एल प्लस डी माइनस डी कैंसल हो जाएंगे, न्यूमरेटर में एल है डिनोमिनेटर में एल है ये भी चला जाएगा, यहां पर बचेगा कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू छोटा एम डिवाइडेड बाय एल प्लस डी इंटू डी। सो ये ग्रेविटेशनल फोर्स आने वाला है, मैं इधर खिसका देता हूँ, इज इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन डी इंटू एल प्लस डी, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है ये, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको सभी जगह पर मिलेंगे।
ठीक है, सो इसमें नेगेटिव साइन आएगा ना। हाँ नेगेटिव साइन चला गया ना, ये माइनस अंदर चला गया तब। ओके सर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना था, वन अपॉन एल प्लस डी माइनस वन बाय डी, वो अंदर चला गया तो माइनस वन बाय डी ये पॉजिटिव हो गया और वन अपॉन एल प्लस डी ये निगेटिव हो गया। ठीक है, जाए आगे। अब इसके आगे का क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम is divided into two parts which are placed at a distance d. If force of attraction to be maximum, find the ratio of masses. देखो क्या क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, एक कैपिटल एम इतना मास है, इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक का मास है एम तो दूसरे का रहेगा एम माइनस एम, और इनके बीच का डिस्टेंस अभी है डी। सो ऐसा हो गया, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है डी। इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू बी मैक्सिमम, कितना फोर्स रहेगा इनके बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा कैपिटल जी, वन ऑफ द मास इनटू अदर मास अपॉन उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है ये फोर्स मैक्सिमम कब रहता है, सो डेरिवेटिव्स में हम कहते हैं फोर्स विल बी मैक्सिमम और मिनिमम व्हेन, इसके साथ वैरी हो रहा है मास के साथ, डिस्टेंस फिक्स रहेगा इस इनके बीच का, चेंज क्या हो रहा है मास। आपको मास का रेशो पूछा है ना कि ये एम कितना रहेगा, तो डीएफ बाय डीएम शुड बी इक्वल टू जीरो जब फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम रहेगी। और फिर आपको पता है डी टू एफ बाय डीएम स्क्वेयर ये पॉजिटिव रहा, दैट इज ग्रेटर देन जीरो, तो फोर्स मिनिमम रहता है। एंड डी टू एफ बाय डी एम स्क्वेयर ये निगेटिव रहा तो फोर्स मैक्सिमम रहेगा। सही है क्या? इसे मैक्सिमा एंड मिनिमा कहा जाता है। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम उस पॉइंट पर रहती है जहां पर डेरिवेटिव जीरो रहता है। ठीक है, और अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये पॉजिटिव रहा तो फंक्शन की वैल्यू मिनिमम रहेगी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये निगेटिव रहा तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी।
ओके सर ठीक है, अगर ऐसा है तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या आने वाला है। देखो डीएफ बाय डीएम इज इक्वल टू डीडीएम ऑफ कैपिटल जी एम इनटू एम अपॉन डी स्क्वायर माइनस कैपिटल जी इनटू एम स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। सही लिखा क्या? ब्रैकेट को ओपन कर दिया, छोटा एम इनटू कैपिटल एम माइनस एम स्क्वायर। अब देखो इसका डेरिवेटिव अगर लेते हैं तो ये जो कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर ये कांस्टेंट है, ये बाहर चले गए, डेरिवेटिव ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू एम वन आएगा, माइनस कैपिटल जी अपॉन डी स्क्वायर बाहर चले गए, डेरिवेटिव ऑफ एम स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एम इज टू एम। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। d2m by dm square is actually derivative of df upon dm, yeah jayega derivative of gm upon d square minus 2 times gm upon d square। अब देखो आपका हो गए सर कैपिटल जी कांस्टेंट है, कैपिटल एम कांस्टेंट है और यहाँ पर डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ये पूरा पार्ट कांस्टेंट है यहाँ पर। सो ये डेरिवेटिव आएगा डी टू एफ बाई डी टी स्क्वेयर डी एम स्क्वेयर इक्वल टू ये पार्ट जीरो माइनस टू जी अपॉन डी स्क्वेयर बाहर, डेरिवेटिव ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू एम ये आएगा वन। तो यहां पर आप लिखोगे एज डी टू एफ बाय डी एम स्क्वेयर इज निगेटिव दैट इज लेस देन जीरो एफ इज मैक्सिमम, कहां पर? व्हेन डी एफ अपॉन डी एम इक्वल टू जीरो। एंड इफ दैट इज द केस तो डी एफ अपॉन डी एम की वैल्यू क्या है? जी एम अपॉन डी स्क्वेयर माइनस जी इंटू टू एम अपॉन डी स्क्वेयर इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर ऐसा है तो देख लो ये राइट में गया पॉजिटिव हो जाएगा, जी एम अपॉन डी स्क्वेयर इक्वल टू टू जी एम अपॉन डी स्क्वेयर एम इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एम, तो दिस इंप्लाइज छोटा एम इक्वल टू एम बाय टू। इसका मतलब अगर एक मास एम बाय टू रहा तो दूसरा मास भी ऑब्वियसली कैपिटल एम माइनस छोटा एम एम बाय टू रहना चाहिए, विच इज ऑब्वियस। कैसे? देखो सिंपल है, अगर इसका मास है 10 केजी, इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर दो, इसके मासेस क्या हो सकते हैं? ये 1, ये 9, 2, 8, 3, 7, 4, 6,
5 5। अब देखो अभी जो हमने लिखा था डी स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है दोनों के बीच का डिस्टेंस और कैपिटल जी भी कॉन्स्टेंट है, सो बेसिकली इनके बीच का जो फोर्स रहेगा जी भी कॉन्स्टेंट है डी स्क्वेयर भी कॉन्स्टेंट है, वेरी क्या हो रहा है एम वन और इसलिए एम टू वेरी हो रहा है, सो दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। तो देखो प्रोडक्ट कितना आता है इस केस में 9, इस केस में 8 2 16, 7 3 21, 6 4 24, 5 5 25। सो प्रोडक्ट तभी मैक्सिमम है जब दोनों मासेस इक्वल है, एंड हेंस इस क्वेश्चन में भी हमारा आंसर छोटा m इक्वल टू m बाय 2 ये लॉजिकली सही है। The distance between sun and earth is increased by 3 times, then attraction between them will be, उनके बीच का attraction कितना रहेगा? So देखो पहले ये रहेगा mass of sun, ये उनके बीच का distance, this is mass of earth, कितना force रहने वाला है? अपन इसे F initial कहते हैं, capital G mass of sun mass of earth upon d का स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस 3 times हो गया, मास चेंज हुआ क्या? नहीं, सिर्फ डिस्टेंस d का 3d हो गया। आंसर डी, आंसर डी है क्यू, 3d का स्क्वायर मतलब नाइन डी स्क्वायर, ठीक है। तो पहले तो देखो एक चीज तो आपको तुरंत ध्यान में आ जाएगी, सर यहाँ पर डिनोमिनेटर बढ़ा है, सो डिनोमिनेटर बढ़ा मतलब फोर्स डिक्रीज हो गया, सो सेम और इंक्रीजेस ये वाले पार्ट तो चले गए, अब डिक्रीज बाय 63% या 89%, सो कितना डिक्रीज हुआ है? सो ऐसे वक्त आपको ये चेंज निकालने के लिए चेंज इन परसेंटेज या परसेंटेज चेंज, इसके लिए आप लिखोगे फाइनल फोर्स माइनस इनिशियल फोर्स अपॉन इनिशियल फोर्स, ठीक है। देखो फाइनल माइनस इनिशियल में ये सभी कॉमन आ जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर 1/9 -1 आएगा, ठीक है। कैपिटल जी मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ अपॉन डी स्क्वेयर कॉमन, फाइनल इज 1/9 -1, नीचे इनिशियल फोर्स ही है कैपिटल जी मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ अपॉन डी स्क्वेयर इनटू 100, ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया, दिस इज 1/9 -1, सो 1/9 -9/9, सो ये आने वाला है आपका -8/9 × 100, सो दिस इज -800/9, ये लगभग 9 9 81 आता है, सो 90% से थोड़ा सा कम मतलब 89%, और साइन माइनस क्यों है? क्योंकि फाइनल फोर्स कम है मतलब फाइनल फोर्स कम हुआ है, तो आंसर आएगा डिक्रीजेस बाय 89%, ठीक है। अब जिन लोगों को कैलकुलेशन की आदत है आप देखकर बता सकते हो कि सर सेम और इंक्रीजेस तो नहीं है, डिक्रीजेस और इंक्रीजेस वाला ही पार्ट रहेगा, उसमें से कौन सा रहेगा, तो आप आराम से कैलकुलेशन करके बता सकते हो, ठीक है। चलो एकदम बच्चों जैसा एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
find acceleration due to gravity on moon if radius of moon दी है, कितनी दी है? 1.74 into 10 to the power 6 meter and mass of moon दिया है 7.6 into 10 to the power 22 kg. क्या रिलेशन रहता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का? कैपिटल जी मास अपॉन रेडियस का स्क्वायर. पुट कर दो वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11. मास ऑफ मून है 7.6 इंटू 10 टू द पावर 22 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून 1.76 इंटू 1.76 into 10 to the power 6 into 10 to the power 6. देखो 10 to the power 6, 10 to the power 6, 10 to the power 12. ऊपर चले गए minus 12. 22 minus 12 मतलब plus 10. Plus 10 minus 11 मतलब minus 1. तो ये बचेगा. 1.4 है ना? क्या हुआ? Radius 1.74 है ना? ओके सॉरी इनटू 10 टू द पावर माइनस 1. अब इतना कैलकुलेशन आपको करना है. रफ लिक्स की वैल्यू आपको आ सकती है क्या? क्योंकि आपके पास ऑप्शन रहेंगे. सो देखो रफली एकदम रफली ना, क्या मैं इसे 6.7 कहूं, इसे 7.6 को, दिस इज 1.7 और दूसरा भी 1.7 कह सकते हैं. ठीक है, अब 17 फोर्जा आता है क्या? 17 फोर्जा कितना आता है? 68. सो 1.7 फोर्जा 6.7 आ सकता है. ठीक है, अब देखो 1.7 इस ये लगभग 4.5 जाएगा. ये कितना आएगा और 45 फोर्जा 18 के आसपास इनटू 10 टू द पावर माइनस 1. सो ये आंसर कुछ तो 1.8 के आसपास आना चाहिए ऐसा आपको विदाउट एक्चुअली डूइंग कैलकुलेशन इतने रोबस्ट कैलकुलेशन से ध्यान में आएगा. ऐसा कब करोगे आप? जब आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, नहीं तो एक्चुअल कैलकुलेशन करने पड़ेंगे. और एक्चुअल कैलकुलेशन करने के बाद आपको ध्यान में आएगा दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. देखो क्या हम इसके पास में हैं? सो व्हेन ऑप्शंस आर अवेलेबल हम इस प्रकार से रफ कैलकुलेशन कर सकते हैं. ठीक है, कोई ये भी कहेगा सर देखो ये 1.7 लिया है, एक्चुअली ये वैल्यू है 1.74. सो डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा, सो आने वाली वैल्यू आपके आई हुई वैल्यू से छोटी ही रहने वाली है. हाँ सर, सो देखो आने वाली वैल्यू आपकी वैल्यू से छोटी ही रहने वाली है. ऐसा कैलकुलेशन का फील आना चाहिए. एक्चुअल कैलकुलेशन करते बैठने की जरूरत नहीं रहेगी. कब? जब ऑप्शंस अवेलेबल है तब, नहीं तो एक्चुअल कैलकुलेशन करने पड़ेगी. ठीक है, अब आप ये भी कहोगे सर हमने बचपन से ये वैल्यू निकाली है, हमें पता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ. तो ये वैल्यू 1.67 आती है, ये हमें पता है. चल अब देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है. एट व्हाट हाइट
and that value of g will be (25%) smaller compared to value of g on Earth surface. ठीक है, आसान सवाल है. At what height and depth value of g will be 25% smaller compared to value of g on Earth surface. So हम कहते हैं let h and d be the corresponding height and depth where g of h equal to g of d is 25% smaller. मतलब कितने परसेंट रहेंगी? 75%. 75% मतलब 3/4 times of g. क्या सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है. बस चलो इसे सॉल्व कर लेते थे. क्या है g of d का रिलेशन? g of d इक्वल टू g इंटू 1 - d/re. g of d की वैल्यू पता है, 3/4 टाइम्स ऑफ g इक्वल टू g इंटू 1 - d/re. g g कैंसल, तो ये d अपॉन आर इधर चले गए तो पॉजिटिव हो जाएंगे. 1 - 3/4 इज 1/4. ठीक है, सो d की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू है 6400 किलोमीटर अपॉन 4, दैट इज 1600 किलोमीटर. क्या सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है. अब g ऑफ h निकाल लेते हैं. g ऑफ h का क्या रिलेशन है? g ऑफ h इक्वल टू g इंटू 1 - 2h/re. ठीक है, सो अगेन 3/4 g इक्वल टू g 1 - 2h/re. जी जी चले गए, सो ये 2h/re इक्वल टू 1 - 3/4, दैट इज 1/4. सो h की वैल्यू आ जाएगी 6400, ये 2 नीचे आ जाएंगे, अपॉन 8, दैट इज 800 किलोमीटर. देखो और एक चीज करते हैं, हाँ जानबूझकर एक और चीज कर रहे हैं. वैसे g ऑफ h का क्या रिलेशन है? g ऑफ h का रिलेशन है g m e अपॉन r e plus h का स्क्वायर. सही है, तो देखो g ऑफ h है 3/4 टाइम्स ऑफ g. मैं इसे जानबूझकर लिख रहा हूं g m e upon r e square into r e square upon r e plus h का स्क्वायर. अब ये वैल्यू किसकी है? दिस इज इक्वल टू g, ये कैंसिल हो जाए. सो देखो 3/4 इक्वल टू r e square upon r e plus h का स्क्वायर. ये बन जाएगा √3/2 इक्वल टू आर ई अपॉन आर ई प्लस एच. सही है, सो ये बनता है √3 टाइम्स आर ई प्लस √3 टाइम्स ऑफ एच
इक्वल टू टू टाइम्स आर ई. सो एच की वैल्यू बन जाएगी रूट थ्री आर ई, उधर चले गए. सो टू माइनस रूट थ्री, रूट थ्री की वैल्यू है 1.73 इंटू आर ई विच इज 6400 डिवाइडेड बाय 1.73. देखो तो ये कितने आती है वैल्यू, कैलकुलेशन करके देखते हैं. हाँ, 2 माइनस 1.73, एक मिनट. देखो ऐसे दोनों आंसर अलग अलग इसलिए आ रहे हैं बिकॉज ये रिलेशन जब हमने लिखा है ना तो हमने कहा है ये रिलेशन तभी यूज करना व्हेन h इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू re. बट 800 इज नॉट वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू 6400. ये तो सिर्फ इसके 8 टाइम, 6400 इज जस्ट 8 टाइम्स, 8 टाइम्स मतलब 12 to 13%. सो ऐसे केस में ये रिलेशन यूज करना सही नहीं रहेगा. तो सिर्फ फिर क्या करना चाहिए, फिर ये रिलेशन यूज करना चाहिए. ठीक है, सो रफली रूल ध्यान में रखो, व्हेन एच इज एटलीस्ट स्मॉलर बाय 10%. 10% मतलब कितना, 6400 किलोमीटर रेडियस है तो इसका 10% विल बी 640. सो एच की वैल्यू कम से कम 600 से कम जब रहेगी तब ये रिलेशन अपन यूज कर सकते हैं. ठीक है, व्हेन द वैल्यू इज मोर देन 600 तो हम ये रिलेशन यूज नहीं करेंगे, उस वक्त ये रिलेशन यूज करना सही रहेगा. क्योंकि ऑप्शन में आपको दोनों भी चीजें दिखाई देगी, ऑप्शन में ये दोनों चीजें दिखाई देती है तो यहां पर 1000 या 998 इज मोर करेक्ट आंसर. क्या बात ध्यान में आई है क्या सर? हाँ बोलो. ये ऐसे ही पता चलेगा ना कि एच बहुत ज्यादा आर ई से कम तब है जब हम पूरा वो सॉल्व करेंगे और 800 से और बहुत ज्यादा कम आया. नहीं, आप 10, जब एच की वैल्यू 10% है, ठीक है, लाइक एच की वैल्यू 600 किलोमीटर है, उसके लिए जी कितना रहेगा ये निकाल कर देखो, सिंपल है. जी एट एच इक्वल टू जी 1 माइनस, अब देखो मैं रफली इसे 500 पकड़ लेता हूँ कैलकुलेशन के लिए आसान हो, अपॉन आर ई की वैल्यू 6400. सो 1 माइनस 10 अपॉन 64, तो दिस इज 54 अपॉन 64. ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, 6 roughly 6 9s and 6 11s. ठीक है, सो दिस इज 9/11 टाइम्स ऑफ g. सो इसका परसेंटेज निकाल लो, ये कितना परसेंट आता है, सो 900 अपॉन 11. ठीक है, सो 11 8s 88 20 बच गए, 11 1s. सो g की वैल्यू ये 19% से या 18% से कम ज्यादा है. ठीक है, 18% से कम है जी की वैल्यू का चेंज, तो हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो रफली हम ऐसा कहते हैं कि व्हेन एच इज लेस देन 10% ऑफ आर ई या जी इज लेस देन 20% ऑफ आर ई, सॉरी जी इज लेस देन 20% ऑफ जी, तो ऐसे केस में ये रिलेशन यूज करना, नहीं तो ये रिलेशन यूज नहीं करना है. सही है, सो 5%, 10%, 15% ऐसा जी का वेरिएशन है
तो हम ये यूज कर सकते हैं, ठीक है? आया क्या ध्यान में? जनरली ऐसे बॉर्डर वाले क्वेश्चन कम रहेंगे, क्वेश्चन इसी प्रकार से रहेगा, लाइक 25% या 10% के लिए पूछेंगे। फिर 10% के लिए अपन डेफिनेटली ये यूज कर सकते हैं, ठीक है? क्या रूल कहा हमने? ऐसा एक्चुअली रूल करके नहीं है, बट हमने ये ध्यान में रखना चाहिए कि इतना अप्रोक्सीमेशन चलता है, इतना अप्रोक्सीमेशन चलता है, उससे ज्यादा अप्रोक्सीमेशन नहीं चलेगा। क्या सही है? आया है ध्यान में? 25% वगैरह वेरिएशन है तो अपन ने ये नहीं करना चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन है हमारे इसमें।